हे गाइस, वेलकम टू फूडी शार्क। और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया एग एंड मेयो सैंडविच। ये दिखने में जितना टेस्टी नहीं है ना गाइस, बिलीव मी, ये खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके लिए मैंने ले लिए है 3 बॉयल्ड एग और उसे हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर के हेल्प से। और एकदम हल्के हाथ से करना है आपने। और अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है या नहीं मिल रहा है तो आप फोर्क के मदद से भी इसे बारीक बारीक कर सकते हैं। और जितना बारीक रहेगा ना गाइस, ये उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से ग्रेट कर लिया है मैंने। इसके बाद मैंने मेयोनीज़ यूज़ किया है। मैंने एगलेस मेयोनीज़ डेल मोंटे का यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। 3 एग्स के लिए गाइस करीबन 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ डालिए, आप ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसमें मैंने 2 टीस्पून छोटे छोटे कोरिएंडर लीव्स काटे हैं। उसमें ड्राइड हर्ब्स डाले हैं मैंने 1/4 टीस्पून, आप हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं। और सॉल्ट डाला है 1/4 टीस्पून, क्योंकि एग्स में नेचुरली सॉल्ट होता है ना, इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ही लिया है, नहीं तो ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। हाफ टी स्पून पेपर लिया है और इसमें मैंने चीज़ भी डाला है। आप चाहे तो नॉर्मल अमूल चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं ना गाइस, उसको आप हाथ से क्रश करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पार्मेजान चीज़ यूज़ किया है। तो पार्मेजान चीज़ मैंने कुछ 2 टेबलस्पून यूज़ किया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ ऐसी चीज़ है ना कि जितना डालो उतना कम है, राइट? तो देखिए, 3 बॉयल्ड एग हम 3 सैंडविचेस बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप कम फिलिंग चाहते हैं तो 4 सैंडविचेस भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्प्रेड करने के बाद में हम इसमें बटर लगा देंगे। आप जितना ज़्यादा बटर लगाएंगे ना, उतना क्रिस्प और बहुत अच्छे से टोस्ट होगा सैंडविचेस और बहुत ही यमी लगेगा। ठीक है, बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पे लाया क्योंकि स्प्रेड करने के लिए आसान होता है ना। अब हम इसे ग्रिल में रख देंगे और एकदम धीमे हाथ से आप इसे पलटाएंगे, नहीं तो फिलिंग बाहर निकल जाएगी। तो देखिए गाइस, ये इतना यमी लग रहा है। इसमें जो ग्रिल के मार्क्स आए हैं गोल्डन कलर के, ये एकदम बटर से बहुत ही क्रिस्प हुआ है बाहर और उतना ही गुई और सॉफ्ट है अंदर खाने में। दैट्स ऑल गाइस, ये था मेरा सैंडविच एंड आई होप आप ये ब्रेकफास्ट में ट्राई करेंगे। एंड या, डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।